दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ नए नए क्वेश्चंस का वीडियो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। जितने भी आज प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही खास प्रश्न रहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, लीवर। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, लीवर का। हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है वो लीवर का ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? इसका आंसर भी आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त में, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजेन, ठीक है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो फाइब्रोनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीन। मनुष्य की आंख तीन परत से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी। गन मेटल उपरोक्त तो सभी का मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर, जिंक, टिन, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। दोस्तों आपको मैं विटामिन के बारे में बता देता हूँ, विटामिन ए के बारे में। विटामिन अगर ए हमारे शरीर में विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, जिससे हमें आँखों में कम दिखाई देने लगता है, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब इस विटामिन की पूर्ति कैसे की जाए, मतलब तो क्या चीज़ें हम घर पर ही हम खा के इस विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट तरीका है हम गाजर खाएं। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चार। मनुष्य में चार प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोफोन। इसका जो आंसर है, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि, आप प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको फोटो में भी दिखाया जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि पानी में कैसे ध्वनि यंत्र को छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फटाफट इसका आंसर देंगे हम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज दोनों का परिवहन करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत होती है वो किस चीज़ की होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन होता है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन होता है 18%, बाकी कैल्शियम, लोहा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? हम जो कुछ भी खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत में इसका पाचन होता है, छोटी आंत से होकर वो बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? चलिए सही आंसर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? एनीमिया जो बीमारी है किस धातु की कमी के कारण हमारे शरीर में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी अच्छा प्रश्न है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आती है तो वहाँ विद्युत मंडल से आती है, तो विद्युत मंडल में कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो सप्लाई को बढ़ाकर स्टेप अप यानी कि बढ़ाकर ट्रांसफर करते हैं। और हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेप डाउन, जो सप्लाई आ रही है उसको कम करके हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरोसिन में। केरोसिन में इनको डुबोकर रखते हैं, न कि पानी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस धातु की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस धातु की अभिक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।